नमस्कार दोस्तों, देख लीजिए ये हमारे पास आई है रियलमी C25। इसकी बैटरी लगवानी है और कस्टमर ने गलती ये कर दिया है, किसी दूसरे दुकान पे लगवा रहे थे वहाँ पर बैटरी लगवाए, एक दिन चली और दूसरे दिन वो बैटरी फूल गई, वो चार्ज नहीं हो रही थी। जैसे लगाए टेम्परेचर हाई बता रहा था, चार्ज नहीं हो रहा था और दुकानदार पे लेके गए, दुकानदार अपना वापस ले लिया और इनको ऐसे दे दिया। इसमें बैटरी नहीं लगी है, एकदम हल्का सेट लगा रहा है, एकदम हल्का लग रहा है सेट, देख लीजिए। हमने पूछे ये बैटरी पुन्नी वाली, तो बोले कि वहाँ पर छूट गई। देखिए इसे गलती ना करें, इसको खोलते हैं और दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले सिम को निकाल लेते हैं, उसके बाद इस मोबाइल को खोलते हैं। देखिए देखिए आराम से ढक्कन खुल जाता है, आराम से खुल गया। अब उसके बाद देख लीजिए बैटरी इसमें नहीं है और नट बोल्ट भी नहीं है, ना नीचे कोरी, देख लीजिए ना नीचे है, नीचे खोलने कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बैटरी लगाते समय। और देख लीजिए ऊपर की ओर ही सिर्फ एक पेच दो पेच, केवल दो पेच लगा है। और इसमें खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वो कस्टमर बता रहा था सिर्फ बैटरी का प्रॉब्लम थी, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, दूसरी बैटरी लगवाए नया, लेकिन वो जब तक चार्ज थी कंपनी की तब तक चली, दोबारा चार्ज करने लगे नहीं चली। देखिए ये हमारा है, लेकिन आप कत्तो भी खोलवाइए कोई भी मोबाइल और अपना सामान, जैसे बैटरी लगवा रहे हो अगर लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं लगा के दे रहा दुकानदार खोल के अपना सेट दे दिया, तो उसको बताइए कि हमारी पुरानी बैटरी इसमें डाल के दे, नहीं तो कहीं दूसरे दुकान पे दिखाओगे तो बैटरी का सबका अलग अलग मॉडल रहता है, सब बैटरी अलग अलग मॉडल के आती है, दूसरा दुकानदार वो देखेगा तभी लगाएगा, नहीं तो बताएगा इसमें पता नहीं कौन बैटरी लगी है कौन नहीं बैटरी है, ये सब अलग अलग आता है। देख लीजिए हमारा गिनती यही रहेगा, अगर कोई भी सामान चाहे बैटरी हो चाहे डिस्प्ले हो चाहे स्पीकर हो, अगर कोई दुकानदार लगवा रहे हो दुकान पर अगर नहीं बन रहा है तो अपना सामान ले ले पुराना ही, काहे दूसरे दुकान पे अगर दिखाओगे तो दूसरा दुकानदार सबसे पहले यही मांगेगा कि तुम्हारा पुराना वाला क्या हो गया, उसमें सब अलग अलग नाम लिखा रहता है, अलग अलग मॉडल लिखी रहती है, नहीं तो दुकानदार कंफ्यूज हो जाता है कौन किस में लगती है। देखिए हमारे पास ये रियलमी C25 का है और ये बैटरी का मॉडल है BLP771, नेट पे सर्च किए तो 771 ही दिखाया C25Y, कस्टमर बता रहा था हमारी C25Y है मोबाइल। और इसको देख लीजिए ये कायरा की बैटरी है, गारंटी वारंटी रहती है 4 महीना, एकदम नए लेटेस्ट बैटरी है, देख लीजिए एकदम अच्छे क्वालिटी में। और इसको लगाएंगे और ये बैटरी का प्राइस है 550 रुपये, और इसको लगाया जाता है दुकानदार लगा के दे देगा, 550 में लेके आया तो मान के चला 150-200 रुपये लगवाई लेगा और आपका लगा के दे देगा, 4 महीने का गारंटी लेगा, 550 रुपये दुकानदार की खरीद है, इसको बता दे रहे हैं, आप अपना नोट कर लीजिएगा। लेकिन दुकानदार इसको 700 में लगाएगा कम से कम, देखिए आराम से इसको बैठा देते हैं और ये पन्नी लगा दिया, नहीं तो कस्टमर वो दुकानदार पन्नी भी निकाल के फेंक देते हैं। देखिए आराम से इसको बैठा देते हैं, देखिए कोई भी सामान हो मोबाइल का बता दे रहे हैं, उसको जरूर ले लिया करें, अगर आपकी मोबाइल नहीं बन रही है तो, अगर बन जा रही तो उसकी बात अलग है। जैसे वो कस्टमर देखिए ये चालू हो गया, इसको चालू किए सबसे पहले ये भी, जैसे हम दुकानदार लगा के दिए बैटरी, आप अपनी बैटरी वहाँ पर छोड़ दिए, चलो ठीक है आपकी बैटरी नहीं लग गई, लेकिन अब 2 दिन बाद वो बैटरी फूल जा रही है, चार्ज नहीं हो रही है, दोबारा दुकान पे लेके जा रहे हो तो दुकानदार अपना वापस ले रहा है, तो कह रहा भैया इसमें बैटरी नहीं है या इसमें दूसरी खराबी है, तो अपना जो पुराना सामान है दुकानदार से ले लिया करें, नहीं तो दूसरी दुकान पे दिखाओगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे हमको दिखाए दूसरे, हमको आए बताए कि बैटरी वहाँ पर लगवा रहे थे नहीं चली, वो फूल गई एक दिन में लगाने पर, वो बैटरी नहीं दिए, हम कहने इसकी पुन्नी बैटरी क्या हो गई, बोले वहाँ पर छूट गई। तो इसको नेट पे सर्च करने के बाद तब ये बैटरी का मॉडल पता चला, देख लीजिए रियलमी C25 बता रहे थे, नेट पे सर्च किए तो ये BLP771 बैटरी का मॉडल है, ये 2-3 मॉडल में ही लग जाती है। देखिए हमारा चालू हो गया है, अब इसको चार्ज करके देखते हैं, कभी कभी बैटरी चार्ज नहीं होती है, नया नया लगाते हैं तो देखिए ये हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है पूरा,
नहीं तो बता रहे थे चार्ज नहीं होती थी, केवल टेम्परेचर हाई लिख के आ जाता है, कोई भी बैटरी लगाते थे। देख लीजिए, जब तक एकदम सेम बैटरी नहीं लगेगी तब तक चालू नहीं होगी। चलो इसको पैक करते हैं।